नमस्कार दोस्तों, मैं लाल सिंह ठाकुर, आपका बी कीपर दोस्त। हमारे यूट्यूब चैनल हिमालयन बीज में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज एक वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आप कमज़ोर कॉलोनी को स्ट्रॉन्ग करें, तो इसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाऊँगा। आजकल बसंत का मौसम चला है, चारों तरफ फूल ही फूल खिले हैं, तो दोस्तों ऐसे में हम क्या करते हैं, जो कमज़ोर कॉलोनियाँ होती हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं, तो ये बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो इससे पहले हमारे जितने भी नए दर्शक हैं, जो हमारे नए मित्र हैं, वो हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमालयन बीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच सके। कितने खूबसूरत फूल लग रहे हैं देखो, और पूरे पेड़ फूलों से लदे हुए, आप देख सकते हैं व्यू हमारा फार्म का। और आजकल डिवीज़न भी बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखें अपनी कॉलोनियों का, घर में कहीं स्वार्म निकल ना जाए। तो फ्रेंड्स, हम इन्हीं बक्सों में से किसी एक बक्से का जो बहुत ही स्ट्रांग है उसका चयन करेंगे और वहाँ से फ्रेमें निकाल के एक कमज़ोर बक्से में उन मक्खियों को डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, कितनी स्ट्रेंथ बढ़ गई इसकी, थोड़ा इसको धक्का लग गया था जिस वजह से मधुमक्खियाँ काफ़ी एग्रेसिव हो रही हैं। आप देख सकते हैं एक फ्रेम की मधुमक्खियाँ बेचारी, और ये देखिए क्यून दोस्तों इसमें, और ब्रूडिंग देखिए आप। और ये जो मैंने शहद वाली फ्रेम दी थी आप देख सकते हैं, और इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा ना कोई शुगर फीड कराई ना कुछ, और मधुमक्खियाँ आप देख सकते हैं ब्रूडिंग अच्छा कर रही हैं। और एगलिंग देखिए दोस्तों, दोनों साइड आ गई है, इसमें भी इस साइड भी एगलिंग शुरू हो गई है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो बक्सा हमारे पास स्वार्म आया था छोटा सा, उसी से ये मधुमक्खियों ने, ये देखिए फ्रेंड्स, ये उस टाइम मैंने छोटी सी एक छाता डाला था, जो आज मधुमक्खियों ने काफ़ी बड़ा रेज कर दिया है, आप देख सकते हैं ब्रूडिंग भी। अभी भी ये इसमें स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, हार्डली ये सारी मधुमक्खियाँ एक ही फ्रेम की है, बहुत ही कम, तो लेकिन बहुत ही अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा चल रही हैं। फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही कम मधुमक्खियाँ हैं, बहुत ही कमज़ोर कॉलोनी है, तो इसमें हम मधुमक्खियाँ कुछ ऐड करेंगे, तो वही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसमें और मधुमक्खियाँ ऐड करें ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए जल्दी से जल्दी। इसके लिए हम एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनी से कुछ मक्खियाँ लाएंगे और इस बक्से में उनको झाड़ेंगे। इसको करते हैं बंद और ले आते हैं फ्रेम में जाके। दोस्तों, जैसे कि ये जो बक्सा आप देख रहे हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें से मैं कुछ फ्रेमें निकालूंगा और जो कमज़ोर बक्सा है उसमें जाके वो मक्खियाँ को झाड़ूंगा। जो नर्स मक्खियाँ वो उस बक्से में चली जाएंगी और जो एडल्ट मक्खियाँ होंगी, बड़ी मक्खियाँ, वो वापस इसी बक्से में आएगी, क्योंकि वो बक्सा बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही छोटा है, और उसमें मधुमक्खियाँ भी आप देख ही रहे थे जैसे कि स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, तो अगर मैं ब्रूड वाली उसमें फ्रेम दूंगा तो वो उसको कवर नहीं कर पाएगी। और या फिर एक दूसरा तरीका है, जैसे मैं रात को अखबार लगा के उसमें कुछ मक्खियाँ डाल दूँ तो हो सकता है कि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम है तो कहीं की उनको ना मार दे। तो इसके लिए एक ये भी फॉर्मूला है कि मैं इसमें से नर्स मक्खियाँ निकालूंगा और उस बक्से में डालूंगा। तो मैं यहाँ से इस बक्से में फ्रेमें डाल के ले जाऊँगा और ऊपर झाड़ दूँगा, और जो बड़ी मक्खियाँ वो वापस आ जाएंगी और जो नर्स मक्खियाँ वो उस बक्से में चली जाएगी। तो आइए दोस्तों, निकालते हैं मधुमक्खियों की फ्रेमें।
फ्रेंड्स, इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है कि क्यून जो है वो नहीं आनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले हम बिना क्यून की फ्रेमें ही देखेंगे। ये आप देख सकते हैं, मधुमक्खियों ने ये फ्रेम भी रेज कर दी है। ये इसमें मैंने कोई भी शीट नहीं लगाई थी, किसी भी प्रकार की मेरे पास शीट नहीं थी, और ये मधुमक्खियों ने इसी बोरी में बुन दी थी, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा। ये इस तरीके से मैंने ये निकाल के इसमें चिपका दी हाथ से, और ये मधुमक्खियों ने रेज कर दी। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा। ये देखिए फ्रेंड्स, ज़बरदस्त ब्रूडिंग और मधुमक्खियाँ, और नेक्टर देखिए फ्रेंड्स इस वक्त कितना मस्त आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लो है शहद का। हम इसमें ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि रानी नहीं आनी चाहिए इसमें, नहीं तो हम ऊपर जाके झाड़ेंगे तो वो रानी उस बक्से में जा सकती है, और जिससे हमारा दोनों बक्से में नुकसान हो सकता है। इसमें मुझे कहीं भी रानी नहीं दिख रही है, तो मैं इस फ्रेम को इस बक्से में ऐसे डाल देता हूँ और एक और दूसरी फ्रेम भी उठा लेता हूँ। काम देखिए फ्रेंड्स आजकल बहुत ही ज़बरदस्त। फ्रेंड्स, आजकल का मौसम बहुत ही अच्छा होता है, जैसे ये बसंत का चला है तो फ्लावरिंग चारों तरफ बहुत होती है। ऐसे में हम क्या करते हैं, जो कमज़ोर कॉलोनियाँ उनको स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। अगर उसमें मधुमक्खियाँ कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा होती या दो फ्रेम की भी होती, तो मैं डायरेक्ट यही फ्रेम झाड़ के ब्रूड वाली फ्रेम उसको दे देता, जिससे वो आसानी से चल पड़ता। लेकिन उसमें मक्खियाँ की स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, जो ब्रूड को कवर नहीं कर पाएगी, जिससे हमारा ब्रूड जो है वो ख़राब ही हो सकता है। तो इस फ्रेम को भी दोस्तों ऐसे रख देते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं ले जाएंगे हम, तीन एक फ्रेम ले जाएंगे ऊपर, और झाड़ने के बाद फिर से वो फ्रेमें यहाँ डाल देंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि उन जो कि ऊपर नहीं जानी चाहिए। हमें उस बक्से में सिर्फ डालनी है नर्स मक्खियाँ, जो अंदर साफ़ सफाई का काम करती हैं, वही हमने ले जानी है यहाँ से, और जो बड़ी मक्खियाँ हैं वो उड़ के वापस इसी बक्से में आ जाएंगी। इसमें भी मुझे कहीं भी रानी नहीं नज़र आ रही है। तो ये तीन फ्रेमें हमने निकाल दी हैं, और इसको मैं करता हूँ बोरी से कवर। और इधर एक बार चेक करता हूँ कि क्यून इसमें है या कहीं परे तो नहीं चली गई। ये देखिए फ्रेंड्स क्यून, ये आपको रानी दिख रही है। देखिए दोस्तों, ये मधुमक्खियाँ कैसे इशारे से बता रही है क्यून को कि इस तरफ जो है एगलिंग के लिए जगह नहीं है। ये देखिए कैसे रानी को ये संकेत देती है। तो दोस्तों, ज़्यादा ना छेड़ते हुए इसको हम रखते हैं यहीं, और चलते हैं अब उस कमज़ोर कॉलोनी की तरफ। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं जो नर्स बीज हैं वो
एंट्रेंस से अंदर की तरफ जा रही है, और जो एडल्ट वीज है बड़ी है थोड़ी, वो वापिस जो है नीचे उसी बक्से में जा रही है, और ये जो फ्रेमों में है फ्रेमों में बैठ रही है जो हम वापिस नीचे डाल देंगे। ये देख सकते हैं आप कैसे हमने एक कमज़ोर घर को जो है स्ट्रॉन्ग करना है। ये जो नर्स बीज है बहुत ही छोटी उम्र की जो मक्खियाँ हैं वो अंदर क्रॉस कर रही है, अंदर एंटर कर रही है। तो ऐसे जो बी बॉक्स होते हैं जो जिसमें बहुत ही कम मक्खियाँ हैं, तो एक तरीका ये भी है जिससे हम उस बक्से को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग कर सकें, क्योंकि ये मक्खियाँ बहुत ही कम थी, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ 0 के बराबरी थी, लगभग आधा फ्रेम के आसपास। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने इसको निकाला और देखा अंदर कि क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये चलने को तो चल पड़ती लेकिन बहुत ही टाइम लगना था इसको स्ट्रॉन्ग होने में। तो एक बेटर ऑप्शन है, जैसे आप देख सकते हैं कैसे अंदर नर्स बीज क्रॉस अंदर जा रही है बहुत ही ज़बरदस्त। तो ऐसे ही आप भी घर में ट्राई करें, जो हमारे पास बहुत ही कमज़ोर कॉलोनी आती है तो इस तरीके से हम उसको जल्दी से जल्दी मज़बूत कॉलोनी में बदल सकते हैं। ये नर्स मक्खियाँ हैं, इनको ये अंदर आपस में झगड़ेंगी भी नहीं, और जो बड़ी मक्खियाँ हैं वो वापस नीचे वाले बक्से में चली गई हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपको, कि क्यों का ध्यान रखना है, वो कहीं गलती से ऊपर ना आ जाए जैसे हमने अभी यहाँ लाई है, और वो यहाँ अंदर एंटर करेगी तो फिर दोनों रानियाँ में से एक ही रानी बचेगी, क्योंकि वो एक रानी जो स्ट्रांग होगी वो दूसरी को मार देगी। तो ये एक तरीका दोस्तों, ये भी बेस्ट तरीका है आप कैसे मधुमक्खियों को जो है स्ट्रांग जल्दी से जल्दी करें। ये देखिए आप, इसमें मधुमक्खियाँ जो व्यस्क मक्खियाँ हैं वो इसमें बैठी हैं, जो वापिस हम नीचे जाके देंगे। तो अंदर भी अभी खोल के भी दिखाते हैं आपको कि अंदर क्या चल रहा है। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से अंदर को एंट्री कर रही है ये, और कोई भी इतनी ज़्यादा हो गई है, और नीचे भी अंदर क्रॉस कर रही है। चलो, और ये बेस्ट तरीका है, आप ऐसे एक कमज़ोर घर को जो है आसानी से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आपने देखा कैसे सारी मक्खियाँ धीरे धीरे अंदर जा रही हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं जो मक्खियाँ हैं इसी में आ गई है, जो बड़ी वाली थी, और यहाँ देखिए आप कुछ एक मक्खियाँ यहाँ भी आ गई है। ऐसे हम इसको डाल देंगे यहाँ पर, लीजिए दोस्तों ये हुआ हमारा एक कमज़ोर बक्से को स्ट्रॉन्ग करने का जो फॉर्मूला है वो तैयार। तो इस तरीके से आपने ढक्कन, तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कैसे आपने एक कमज़ोर कॉलोनी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसी के ऊपर मेरी ये एक छोटी सी कोशिश थी दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी मधुमक्खी से संबंधित वीडियो बनाते रहेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।